गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज डेट है 15 जून 2024 और मैं हूँ अभी अपने रूम में ही, एडिटिंग वगैरह में लगा हुआ था। आज सुबह 8 बजे के आसपास मैं जगा हूँगा, तब से मैं एडिटिंग में लग गया, क्योंकि आज शाम को गया तो फिर भी मुझे निकलना है ग्वालियर के लिए, वहाँ से मेरी ट्रेन है सीधी कटरा के लिए। तो काफ़ी कुछ काम निपटाना था आज मुझे। 3 वीडियोस वैसे मैं एडिट करके डाल चुका हूँ, बस इनकी थंबनेल वगैरह और बनानी है। लेकिन इससे पहले मैं सोच रहा हूँ दुकान का कुछ काम है, एक मेमोरी कार्ड उठाना है दुकान से और एक ईयरफोन उठानी है, तो दुकान पे हो आता हूँ एक बार, ये दोनों काम निपटा लेता हूँ। फिर बैग वगैरह भी लगाना है मुझे, सब सामान ऐसा फैला डाला है मैंने बैग में, अभी भरा नहीं है। तो 3 वीडियो मैंने जो एडिट की थी तीनों को मैंने अपलोडिंग पे लगा दिया, ये अपलोड होंगी तब तक मैं आ जाऊँगा वहाँ से, तो लूना से जा रहा हूँ। मेमोरी कार्ड 128 GB 64 GB 128 वाला छोड़ दो, 64 वाले दो ले लेता हूँ, खोलूँगा नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तभी इनको खोलूँगा, तो वापस आ जाएंगे। हो गया काम खत्म, इतना सही था बस। तो दोस्तों घर पे आने के बाद मैंने कुछ देर और एडिटिंग कर ली, अभी एक थंबनेल और बची हुई है, तो सोच रहा हूँ उनको भी डाल दूँ फिर ब्लॉग एडिट कर लूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 12 बजे तक मेरा ज़्यादातर काम निपट जाएगा। और मम्मी ने गाजर का हलवा बना दिया है, वो ही खा रहा हूँ, ऊपर से मैंने खोया डाल दिया है। कुछ सामान किमी ने बताया निकालने के लिए, वो निकलवा दे रहा हूँ, यहीं से लेके जाऊँगा वो सामान। टी शर्ट डली है वहीं, मैं पानी चला के बंद कर दिया। तो ये थंबनेल का पूरा काम तो कंप्लीट हो गया, बस ब्लॉग एडिट करने के लिए बचा है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी पैकिंग भी कर लेता हूँ बीच बीच में, और साथ में फिर ब्लॉग भी एडिट कर लूँगा, क्योंकि 11 बजे हैं, पता चले लेट हो जाऊँ फिर बाद में। तो टी शर्ट वगैरह जितनी मेरी डली थी बिना प्रेस की, सब मैंने प्रेस कर डाली, कुछ पापा ने कर दिए थे कपड़े का प्रेस। फटाफट से देखता हूँ क्या क्या मुझे लेके जाना है, और इस वाले बैग में लगा लेता हूँ सब। तो ये बैग में तो मैंने सामान लगा लिया है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जो भी मुझे जरूरत पड़ने वाली बाहर ब्लॉगिंग वगैरह करते टाइम या फिर वीडियोस वगैरह शूट करते टाइम, वो मैंने इसमें रख लिया है। कुछ रुपए भी मैंने इसमें रख लिए, कुछ रुपए मैंने इसमें रख लिए। तो बैग अपना कंप्लीट हो गया, कुछ सामान अभी बाहर डाला हुआ है सूखने के लिए, टी शर्ट वगैरह तो वो मैं पहन के जाऊँगा, और टॉवल वगैरह मैं रख लूँगा, वो भी धुल के डाल दिए। तो दोस्तों कुछ खा लेता हूँ, अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया, वही हलवा खा लिया था, दोबारा से मैं हलवा ले आया थोड़ा सा, और रायता चावल है, आज हल्का फुल्का खाऊंगा, क्योंकि फिर शाम से रात में स्टेशन पर ही खाना खाएंगे, तो उधर पर पूड़ी पराठे वगैरह खप जाएंगे घर से जो चल रहे हैं, सब्जी वगैरह यहीं से बन जाएगी और पूड़ी वगैरह वहीं से बन जाएंगी महिवा से। तो अलिया रह गई ये सूखने टलने के लिए। तो फिर ये दोस्तों 3 बजने वाले हैं, और मेरा ये वाला ब्लॉग भी एडिट हो गया है, जो कि मुझे निकलने से पहले अपलोड करना था, क्योंकि मैं 20 तारीख को आऊँगा ना लौट के, जैसे मैंने आपको बताया था, तो 20 तारीख को ये वाला ब्लॉग लाइव होगा, क्योंकि 5 दिन का मेरे ब्लॉग्स में अंतर रहता है। तो मेरा काम लगभग कम्प्लीट हो गया है, अब मेरे पास टाइम है, 3 बज रहे हैं ना, करीब 5-5:30 बजे के आसपास मैं यहाँ से निकलूँगा बस के थ्रू ग्वालियर के लिए, क्योंकि बस जल्दी पहुंच जाती है, रेलवे स्टेशन थोड़ा आउटर में पड़ जाता है, यहाँ से वहाँ तक जाओ 20 रुपये, तो वहाँ से फिर 35 रुपये टिकट ट्रेन का पड़ता है, तो अगर मैं ट्रेन से भी जाता हूँ तो लगभग 55 रुपये किराया पड़ता है, अगर मैं बस से जाऊँगा तो 10 रुपये ऑटो का मान लो, 100 रुपये वहाँ से लगेगा, तो 110 में निपट जाऊँगा, लेकिन टाइम बच जाता है बस से जाने में, ट्रेन काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती है, तो मैं सबसे ज़्यादा बस ही प्रेफर करता हूँ। हाँ वैसे कोई बात हो तो जा भी सकता हूँ ट्रेन से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ बस से ही जाऊँगा, तो आराम से खाना मतलब सब्जी वगैरह मम्मी बना लेंगी, पूड़ी वगैरह वहीं से आ गई, जैसे मेरे पास मम्मी पापा वगैरह निकल जाएंगे 2 बजे के आसपास, और सब्जी वहाँ से बना के भी लाओ तो रात को 10-11 बजे खाएगी कहीं जाके, तब तक ख़राब हो जाएगी, इससे तो बढ़िया यहीं से मैं जब निकलूँ शाम को तब मम्मी बना के दे देंगी सब्जी और तैरी, तो वो ख़राब तो भी नहीं होगी। अब दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कुछ देर आराम कर लिया जाए, फिर आपसे बाद में मिलूंगा जब यहाँ से तैयार वगैरह हो जाऊँगा निकलते टाइम। दोस्तों शाम के 6 बज रहे हैं, और बस मेरा थोड़ी देर में निकलने का टाइम हो गया है, खाने में सब्जी वगैरह तो पैक हो चुकी है और चावल भी निकल रहे हैं, देर डाल दियो थोड़ा, अभी आइसक्रीम खा रहा हूँ। तो ये करेक्ट 6:30 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ घर से स्टैंड के लिए। तो दोस्तों अभी करेक्ट 9 बज रहे हैं और मैं डीवी मॉल पहुंच चुका हूं, बस से अभी उतरा, बस रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा हूं। तो भैया अभी सुबह के 10:15 हो रहे हैं, और जैसे मैंने आपको दिखाया था कि रात को 10 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास हम लोग ग्वालियर पहुँच चुके थे, और 10 बजे के आसपास हम लोगों ने खाना खाया, फिर 11 बजे की हमारी ट्रेन थी मालवा एक्सप्रेस, जिसमें हमारी 4 सीटें कन्फर्म थी, लेकिन 1 सीट उसमें से लुधियाना तक थी, 1 कुरुक्षेत्र तक थी, और 2 सीटें हमारी डायरेक्ट कटरा तक थी। तो ट्रेन लगभग 15-20 मिनट लेट हो गई थी, 11:15-20 पर हमें ट्रेन मिली, करेक्ट 11 बजे की तक टाइमिंग था, और अंधेरे की वजह से अपने रात में कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर पाई, आज भीड़ बहुत है मालवा एक्सप्रेस में। थैंक यू।
आज का पूरा दिन ऐसे ही निकलने वाला है, शाम को शायद 5 या 6 बजे के आसपास हम लोग कटरा पहुँचेंगे। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, आप देखेंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में कि हम लोगों ने यात्रा कब क्या शुरू करी, अभी तो कुछ डिसाइड ही नहीं है। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी कल, तब तक के लिए बाय बाय।